हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं SGPA और CGPA का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे SGPA का फुल फॉर्म क्या है। SGPA का फुल फॉर्म है सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज और CGPA का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो क्या है क्रेडिट एंड ग्रेड पॉइंट्स। तो क्रेडिट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर पेपर वेटेज, और ग्रेड पॉइंट का मतलब है मार्क्स और ग्रेड इन पर्टिकुलर पेपर। तो अभी हम लोग देखेंगे 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। ओके, इसी के बेसिस पे ग्रेड पॉइंट दिया जाता है मार्क्सशीट में, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या है, देखिए लेटर ग्रेड विथ मीनिंग, दूसरा कॉलम मार्किंग परसेंटेज, और तीसरा कॉलम ग्रेड पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए ओ, इसका मीनिंग है आउटस्टैंडिंग, और ये जो सिंबल देख रहे हैं आप लोग, इसका मीनिंग है ग्रेटर देन और इक्वल टू। 91 होने से ग्रेड पॉइंट कितना होगा 10। ए प्लस का मतलब हो गया एक्सेलेंट, यहाँ पे देखिए 81 ग्रेड पॉइंट 9। ए का मतलब हो गया वेरी गुड, यहाँ पे देखिए 71 ग्रेड पॉइंट 8। बी प्लस का मतलब हो गया गुड, यहाँ पे देखिए 61 और ग्रेड पॉइंट 7। बी का मतलब हो गया अबव एवरेज, यहाँ पे देखिए 51 ग्रेड पॉइंट 6। पी का मतलब हो गया पास, यहाँ पे देखिए 40 ग्रेड पॉइंट हो गया 5। एफ का मतलब हो गया फेल, जो कि बिलो परसेंटेज, बिलो 40%, और बिलो 40% होने से फेल माना जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेमिस्टर 1 का मार्कशीट लिया है SGPA निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या है कोर्स। तो कोर्स में क्या है C1, C2, AE, CC जो कि है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स, GE जो कि हो गया जेनेरिक इलेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड कॉलम में क्रेडिट है। तो C1 का क्रेडिट 6, C2 का क्रेडिट 6, AE, CC का क्रेडिट हो गया 2, GE का क्रेडिट हो गया 6। ओके, यहाँ पे देखिए ग्रेड लेटर। तो ग्रेड लेटर C1 का कितना है A प्लस, C2 का B, AE, CC का B प्लस, GE का A, और ग्रेड पॉइंट अभी नेक्स्ट कॉलम में देखिए। तो ग्रेड पॉइंट कैसे दिया जाता है ये टेबल पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है A प्लस, तो A प्लस है इसलिए यहाँ पे क्या दिया 9। ओके, इसके बाद देखिए B, तो B में 6 है तो इसलिए यहाँ पे 6 दिया। ओके, B प्लस में क्या है 7, तो यहाँ पे 7। A में कितना है 8, तो इसलिए यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट पॉइंट आ गया। तो क्रेडिट पॉइंट को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्रेडिट इंटू ग्रेड, ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया ग्रेड पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए 6 × 9 हो गया 54, 6 × 6 = 36, 2 × 7 = 14, 6 × 8 = 48। तो अभी क्या करेंगे, इसको SGPA का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो SGPA का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट पॉइंट डिवाइडेड बाय क्रेडिट। ओके, ये हो गया क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आंसर कितना आया 142। इसको अभी डिवाइड करेंगे किससे, क्रेडिट। तो अभी हम लोग क्रेडिट का भी टोटल करेंगे, तो क्रेडिट का टोटल करने के बाद आंसर आया 20। तो क्या करेंगे अभी 142 डिवाइडेड बाय 20 करने के बाद हम लोग का SGPA मिल गया है कितना 7.1, ये हो गया सेमिस्टर 1 का। ओके, अभी हम क्या करेंगे CGPA का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेमिस्टर 1 जो कि ऑलरेडी हम लोग को पता है SGPA कितना है 7.1 और क्रेडिट था 20। तो सेमिस्टर 2 का देखिए कितना है क्रेडिट 20, SGPA 6.8। ओके, सेमिस्टर 3 का 26, 8.15, सेमिस्टर 4 का 26, 6.38, सेमिस्टर 5 का 24, 8.65, सेमिस्टर 6 का 24, 9.16। तो CGPA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट इनटू SGPA करना पड़ेगा और बाद में सबको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 20 × 7.1, इसके बाद फिर 20 × 6.8, सेमिस्टर 3 के लिए 26 × 8.15, सेमिस्टर 4 के लिए 26 × 6.38, सेमिस्टर 5 के लिए 24 × 8.65, सेमिस्टर 6 के लिए 24 × 9.16। तो यहाँ पे देखिए 20 × 7.1 करने के बाद आंसर कितना आया 142, 20 × 6.8 136, 26 × 8.15 211.9, 26 × 6.38 165.88, 24 × 8.65 207.6, 24 × 9.16 219.84। तो इस सबको क्या करेंगे अभी टोटल कर देंगे, मतलब प्लस करेंगे।
तो प्लस करने के बाद कितना है आंसर, 1083.22। तो अभी क्या करेंगे, इसको 140 से डिवाइड करेंगे। तो 140 से डिवाइड करने के बाद CGPA कितना आया, 7.73। ओके, तो ये हो गया फुल और फाइनल मार्क्स का अप टू सिक्स सेमिस्टर, इसको हम लोगों ने CGPA का कैलकुलेशन कर लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, CGPA से परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फाइनल CGPA माइनस 0.5 × 10, ठीक है। तो फाइनल CGPA हम लोग को कितना मिला था, 7.73। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7.73 और माइनस करेंगे किससे, 0.5 से। तो 7.73 को 0.5 से माइनस करने के बाद आंसर आया 7.23। इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 से इंटू करेंगे। 10 से इंटू करने के बाद हम लोगों का परसेंटेज मिल गया 72.3%, ठीक है। तो इसी के साथ SGPA और CGPA का कैलकुलेशन हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।